अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकयां, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः, परम्पराचार्ये गुरुवे नमः, सकलकलुषविध्वंसकां श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रे श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंदगुन्नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, बड़ी सुंदर द्रव्यों की चर्चा करने वाला यह ग्रंथ। इसमें सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी, निश्चय सम्यक दर्शन तो वस्तु स्वरूप की श्रद्धा का नाम है, आत्मश्रद्धान का नाम है, और जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो तत्वार्थ श्रद्धान का नाम है, सात तत्वों की श्रद्धा का नाम है। ऐसा बताते हुए सात तत्व बता रहे थे, सात तत्वों की श्रद्धा करा रहे थे। इस संबंध में जीव की चर्चा हो गई, अजीव तत्व के अंतर्गत पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छह द्रव्यों की भी चर्चा हो गई। इन छहों द्रव्यों के सामान्य शक्तियों की चर्चा चल रही थी, उन सामान्य शक्तियों में पहली अस्तित्व शक्ति है, जिस अस्तित्व शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व कहते हैं। वस्तुत्व कहते हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो, माने प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, बड़ा गजब का गुण है, कल काफ़ी चर्चा की थी। बोलो उल्लास भाई, शरीर की स्थिति कब तक रहेगी? बोले परिणमनशील है। अनुकूलताएं कब तक रहेगी? बोले परिणमनशील है। कि साहब प्रतिकूलताएं आ गई है, थोड़ा विचलित हो रहा हूँ। बोले क्यों चिंता करता है, परिणमनशील है, क्या बदलने योग्य है, बदल जाएगी। द्रव्यत्व नाम का गुण है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। परिवर्तन कितनी बड़ी चीज़ है जो दुख को मिटा देती है, परिवर्तन कितनी बड़ी चीज़ है। दरिद्रता परमानेंट नहीं है, पामरता परमानेंट नहीं है, विकार परमानेंट नहीं है,
दुख परमानेंट नहीं है, मिथ्यात्व परमानेंट नहीं है, अज्ञानता परमानेंट नहीं है, अशुद्धि परमानेंट नहीं है, राग द्वेष परमानेंट नहीं है, कषाय परमानेंट नहीं है, विकार शाश्वत नहीं है, मिथ्यात्व शाश्वत नहीं है, आश्रव शाश्वत नहीं है, बंध परमानेंट नहीं है। आप सोचिए तो सही, संसार दशा परमानेंट नहीं है, भव परमानेंट नहीं है, एक इंद्री दो इंद्री आदि अवस्थाएं परमानेंट नहीं है, सब बदल जाने वाली चीज़ें हैं। इसलिए जो परिवर्तन होने वाला हो उनके साथ में तन्मयता मत करना, ये तन्मयता करने योग्य नहीं है। किसके प्रति तन्मयता करें? कहते हैं ना, परदेशियों से न प्रीति लगाना। जो बदलने वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं, उनसे प्रीति करेगा तो वो तो बदल जाएगा, तो दुखी होता रहेगा। इसलिए शक्तियाँ बड़ा पावरफुल रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में। क्या बड़ा गजब का ही स्वरूप है इनका। द्रव्यत्व में परिणमनशीलता की बात कही और प्रमेयत्व में जाननहार पने की बात कही कि तू जाननहार तो है ही, जनाने की भी शक्ति है। मुझे कौन जानता है, मुझे कौन जानता है। तो कई तरह के लोग हैं। पाप करने वाले पापी ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं जाने क्या। और थोड़ा बहुत शुभ भाव धर्म में लगे हुए लोग या थोड़े अभिमानी स्वाभिमानी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत लोग जाने। अरे यार, आपको तो बहुत लोग जानते हैं क्या टोडरकल जी साहब, आपको तो बहुत लोग जानते हैं, आपको तो बहुत लोग जान रहे हैं, कितने कितने लोग जानते हैं। अरे भाई, आपको भी कम नहीं जानते क्या? आपको भी बहुत लोग जानते हैं राजमल जी साहब, हर्ष जी साहब, आपको भी बहुत लोग जानते हैं। कि क्या बात कर रहे हो यार, हमें तो कौन जानता है, 100-200-500 लोग जानते होंगे, 1000 लोग जानते होंगे बाकी, और हमें कौन जानता है धर्मचंद जी साहब। अरे भाई, अनंत लोग जानते हैं आपको, अनंत जीव जानते हैं आपको, अनंत परमात्मा जानते हैं आपको, अनंत सिद्ध भगवान आपको जानते हैं, अनंत परमात्मा आपको जान रहे हैं। सामान्य लोग आपको जाने हैं, उसमें क्या दम है। मैं ये कहूँ भाई साहब, क्या हीराचंद जी साहब, मैं यदि कदाचित ये कहूँ, आपको पता है, ये आप जा कर के बात करोगे ना अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी से, तो वो गहलोत जी भी बता देंगे, अरे मैं जानता हूँ। अच्छा, अरे और गजब यार, गहलोत जी आपको ही जानते क्या। और हम ये कहें आपसे, अमिताभ बच्चन भी जानता है मेरे को, तो व्यक्तियों को ऐसा लगने लग जाता है, अमेरिका जाता रहता हूँ क्या। ये नए राष्ट्रपतियों की तो क्या कहें, लेकिन ओबामा जी भी जानते हैं, क्लिंटन जी भी जानते हैं मेरे को, तो व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है। नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, ऐसे ऐसे लगने लगता है, गजब यार भाई साहब, आप तो कोई हस्ती हो भाई साहब, आपको ये लोग भी जानते हैं, इतने बड़े बड़े लोग जानते हैं। अब हम ये कह रहे हैं, भैया इतने बड़े नहीं, इनसे कुछ और बड़े, उनसे भी बड़े, उनसे भी बड़े, उनसे भी बड़े, अरे सबसे बड़े, अरे इतने बड़े अखिलेश भाई, जिनसे बड़े दुनिया में तीन लोक में कोई दूसरे नहीं हो, वे भी मुझे जानते हैं। क्यों मयंक जी बोलो, सिद्ध भगवान, क्या बात कर रहे हो यार, सिद्ध भगवान आपको जानते हैं। हाँ जी, हम भी कुछ हस्ती हैं क्या, हमारे में प्रमेयत्व नाम का गुण है भाई साहब, हमारे में प्रमेयत्व नाम का गुण है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं हम लाइट में आना चाहते हैं, लोगों की बहुत की तमन्ना होती है ना क्या। अब ये ऊटपटांग वीडियो निकालते रहते हैं लोग फेमस होने के लिए, कुछ का कुछ ऊटपटांग बातें करेंगे, किस लिए, फेमस होने के लिए, फेमस लाइट में आना चाहते हैं, लाइट में आना चाहते हैं। अरे सुनो, हम में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है जिसके कारण हम अनादि काल से अनंत काल तक लाइट में रहने वाले क्या। अनंतानंत सिद्ध भगवान हमें जानते थे, जानते हैं, जानते रहेंगे, अनंत काल तक जानते रहेंगे, लेकिन कौन हमें जानता है, इसमें दम क्या है, हम अपने आप को जानते हैं या नहीं, बात तो विशेष वो है क्या। सारी दुनिया हमें जान रही है, अनंत भगवान जान रहे हैं, सीमंदर भगवान भी जान रहे हैं, आपको पता है, सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में बैठे हुए भाई साहब मुझे भी जान रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को जान रहा हूँ या नहीं। भैया दुनिया जाने या नहीं जाने, स्वयं अपने आप को जान लेवे तो काम हो जाएगा।
असली काम है अपने आप को जाने यार, बस यही काम तो नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को ही तो नहीं जान पा रहा हूँ। ये सिखा रहे हैं यहाँ, आप अपने आप को जान सकते हो क्योंकि आप में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। क्या प्रमेयत्व गुण है? प्रमेयत्व नाम का गुण है, प्रमेयपनाए झलक झलकता है, किसी कोई ना कोई जानने वाला होगा। पापी पाप करना चाहे तो पाप नहीं कर सकता है। लोग लाइट में आने की सोचे हैं तो बोले तुम लाइट में ही हो, ये बात बतलाते हैं यहाँ। कितनी गजब गजब की बातें हैं। चलिए पांचवी शक्ति की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है इसका? अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति। 43 नंबर पेज है, अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है। जिस शक्ति के होने से, अगुरु लघुत्व कह रहे हैं, जिस शक्ति के होने से द्रव्य की एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो। पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं आचार्य देव ने जो लिखे हैं, फिर उसके बाद में मैं वो परिभाषा बतलाऊंगा जो बालबोध की परिभाषा है, वो याद करना। क्या जो परिभाषा याद रखने योग्य है ना, वो परिभाषा वो याद रखना, क्योंकि वो शब्दावली सब जगह पर कॉमन रहेगी और वो महत्वपूर्ण भी है, और वो परिभाषात्मक रूप से वो याद रखनी है। पहले पढ़ देता हूँ यहाँ। द्रव्य की एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो, पहला पॉइंट। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, दो हो गए, द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। और एक द्रव्य के गुण बिखर कर जुदा जुदा न हो जाएं, वह अगुरु लघुत्व गुण है। तीन बातें हैं यहाँ इस अगुरु लघुत्व गुण में। पहली हो गई, अब इसमें क्रम बदल लेना। पहला, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो। क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाए। ख्याल में आ रही बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता, जीव पुद्गल रूप नहीं होता, आत्मा जड़ रूप नहीं होता, जड़ चेतन रूप नहीं होता। ये आत्मा अनादिकाल से अचेतन पदार्थों की संगति करता रहा, उसके बावजूद भी कभी अचेतन नहीं हो गया, जड़ की संगति करता हुआ भी कभी जड़ नहीं हो गया, देह में तन्मयता करता हुआ भी कभी देह रूप नहीं हो गया। कोई अचेतन पदार्थ चेतन की संगति में कभी चेतन रूप नहीं हो जाएगा, कोई चेतन अचेतन रूप नहीं हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। पहले द्रव्य की बात, फिर गुण की बात, फिर तीसरी बात, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। यह अगुरु लघुत्व शक्ति का काम है। देखो, मुझ में एक अस्तित्व नाम की शक्ति है, कोई मुझे मिटा नहीं सकता। वस्तुत्व नाम की शक्ति है, मुझे मेरा काम करने से कोई रोक नहीं सकता। द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, वो ये कहती है कि ये नॉन स्टॉप काम करता रहता है। कि साहब देख कौन रहा है? कि प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, किसी चौकीदार को खड़े करने की जरूरत नहीं है, देख भी रहे हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो ये प्रमेयत्व नाम की शक्ति है। तो बोले साहब इतनी सारी शक्तियाँ बताई तो है, लेकिन ये शक्तियाँ परमानेंट थोड़ी ना रहेंगी। ये शक्तियाँ निकल जाएगी तो क्या होगा? ये शक्तियाँ आज नहीं होंगी तो क्या होगा? क्या बोलो, क्या करें? तो बोले एक और शक्ति है जिसका नाम अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है। बोले ये कैसी शक्ति है? बोले ये शक्ति ऐसी है कि जिस शक्ति के कारण अस्तित्व अस्तित्व बने रहेगा, वस्तुत्व वस्तुत्व बने रहेगा, द्रव्यत्व द्रव्यत्व बने रहेगा, प्रमेयत्व प्रमेयत्व बने रहेगा, जीव में ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुण होंगे, ये गुण बिखर करके कहीं अलग नहीं हो सकते, ऐसी एक पावर है, उस पावर का नाम है अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति। आप सोचिए, यदि अगुरु लघुत्व शक्ति नहीं होती तो दिमाग पर चोट लगती और खून बहने के साथ साथ में ज्ञान बह करके निकल जाता। सोचना जरा, ज्ञानचंद जी निकल जाएंगे क्या? बाबूजी ज्ञानचंद जी साहब क्या कह रहे हैं? ज्ञान निकल जाएगा क्या? आत्मा में से दर्शन निकल जाएगा क्या? आत्मा में से सुख वीर्य चारित्र निकल जाएगा क्या? वस्तु में से वस्तु के गुणों को नहीं निकाला जा सकता है।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। भाई साहब ये क्या पावर है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक का काम दूसरे से नहीं चलाया जा सकता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। द्रव्य में रहने वाले गुण बिखर करके अलग अलग होते ही नहीं है। अरे थोड़ा सा तो बिखर जाए, थोड़ा सा तो अलग हो जाए, क्या थोड़ा सा तो कम हो जाए, भाई साहब है ही नहीं क्या। ये जैन फिलोसफी इतनी पावरफुल है अवनीश भाई, क्या बताएं आपको, कोई किसी में मिल नहीं सकता, कोई किसी में कुछ कर नहीं सकता, ये अजब गजब की शक्ति है। जब हम ये कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता है तो ये कहता है अरे यार मेरी शक्ति छीन ली, तो हम ये कहते हैं दूसरा भी तो तेरा कुछ नहीं कर सकता है, ये क्यों नहीं सोचता है। ये अगुरु लघुत्व शक्ति ये कह रही है तू पर में कुछ नहीं कर सकता और पर तेरे में कुछ नहीं कर सकता है। सब द्रव्यों की पावर्स की चर्चा चल रही है, सब द्रव्यों की शक्तियाँ हैं, गुण और शक्तियों में क्या फर्क है। ये जो छह गुणों की चर्चा चल रही है सामान्य गुणों की, ये सब शक्तियाँ हैं क्या। आत्मा की 47 शक्तियों में जो अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है, वो अगुरु लघुत्व नाम का गुण और अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है क्या, एक ही है ये। हाँ सिद्ध भगवान के प्रकट होने वाला जो अगुरु लघुत्व गुण है वो अलग तरह का है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक अगुरु लघुत्व नाम की प्रकृति है, वो अलग प्रकार की है। तो देखिए बड़ी सुंदर बातें हैं, गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, एक गुण का काम दूसरा गुण नहीं करता है, इसलिए एक गुण को देख करके दूसरे गुण के परिणाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ, बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान दीजिएगा। किसी के ज्ञान को देख करके श्रद्धा की बात नहीं की जा सकती है। श्रद्धान और ज्ञान को देख करके आप ये कहो कि यार चारित्र तो है ही नहीं, चारित्र तो है ही नहीं। पंडित जी दीक्षा कब ले रहे हो आप, हैं आप दीक्षा कब ले रहे हो, आप घर कब छोड़ रहे हो क्या। तो मेरा कहना ये है ज्ञान और श्रद्धान अलग चीज़ है और चारित्र अलग चीज़ है भैया, और चारित्र अंदर का चारित्र होना अलग चीज़ है और बाहर का चारित्र जैसे व्यवहार चारित्र कहा जाता है वो अलग चीज़ है। तो सब बातों को बराबर समझना पड़ेगा। श्रद्धा अलग है वो अपना काम कर रही है, ज्ञान अलग है वो अपना काम कर रहा है, चारित्र अलग है वो अपना काम कर रहा है। किसी व्यक्ति के बाहरी चारित्र को देख करके सम्यक दृष्टि कहो, बोले सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है। जितेंद्र भाई ये अगुरु लघुत्व गुण बतला रहे हैं, ये सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है। साहब बहुत ज्ञान है साहब उनको, वो तो सम्यक दृष्टि होंगे। अरे इनका आचरण तो देखो, ये तो सम्यक दृष्टि होंगे। कि सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण का नाम नहीं होता, सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है, श्रद्धा के सम्यक परिणमन का नाम है सम्यक दर्शन। इसलिए ज्ञान और चारित्र अलग गुण हैं और श्रद्धा नाम का अलग गुण है। श्रद्धा और ज्ञान अलग गुण है और चारित्र नाम का गुण अलग है। और गजब की बात कहूँ एक स्टेप आगे चल करके, श्रद्धा और ज्ञान के आधार पर चारित्र की बात करना या चारित्र देख करके श्रद्धान की बात करना, वहाँ तक तो फिर चलो ज्ञान आत्मा की आत्मा में ही बात की है, यहाँ तो वाणी देख करके हम आत्मा की बात करने लगते हैं। जबकि वाणी पुद्गल का धर्म है, आत्मा में गुण अलग हैं और पुद्गल के गुण अलग हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण क्या, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, चार इंद्रियों से पकड़ में आने वाले ये चार गुण और कर्णेन्द्रिय से पकड़ में आने वाले शब्द, बोले सब पुद्गल हैं, सारे पुद्गल हैं। तो समझना ये सब जो कहे गए हैं, इनको जो कहा गया है पुद्गल और जो मैं हूँ वो हूँ चेतन, और दोनों को जानना है मुझे भिन्न भिन्न, दोनों को न्यारा न्यारा जानो, अलग अलग जानो दोनों को। तो ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण कितना पावरफुल है जो हमारे को बता रहा है। भाषा वर्गना का काम शब्दों का काम है, वो स्वतंत्र है। आज देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, छठे गुण को देखिए, इस गुण का नाम है प्रदेशत्व। फिर आज 16 गुणों की चर्चा करेंगे नीचे। प्रदेशत्व नाम का गुण, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार हो। प्रदेशत्व गुण क्या कह रहा है, आकार की बात कर रहा है प्रदेशत्व नाम का गुण।
प्रदेशत्व गुण ये कह रहा है कोई न कोई आकार अवश्य हो वह प्रदेशत्व गुण है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य हो, शेप अवश्य हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। कौन से द्रव्य में है राजेश अजमेरा जी साहब, ये गुण कौन से द्रव्य में है कोई ना कोई आकार वाला? बोले सब द्रव्यों में है। प्रश्न है हमारा, आत्मा में आकार है या नहीं है? कि साहब क्या बात कर रहे हो साहब, आत्मा का आकार क्या ऐसे होगा? आत्मा तो निराकार है, आत्मा तो अमूर्तिक है, ये कैसे पॉसिबल है कि आत्मा का आकार होगा? तो अवनीश भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आत्मा द्रव्य है या नहीं है? कि द्रव्य तो है, तो द्रव्य में ये सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, क्या ये सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। इसलिए जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो आत्मा में भी ये आकार है क्योंकि आत्मा भी द्रव्य है। मैंने अगुरु लघुत्व गुण की बालबोध की परिभाषा बतलाई थी भाई साहब, माने सिर्फ इतना है कि क्रम आगे पीछे है, बात तो वही है। बालबोध पाठमाला भाग 3 छठा पाठ है, पाठ 6 द्रव्य गुण पर्याय वाला, उसमें परिभाषा दी है। मैं वापस बालबोध की परिभाषा बोलता हूँ अगुरु लघुत्व गुण की। जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जावें, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ये 3 पॉइंट है, यहाँ भी वही 3 पॉइंट दिए हैं, शब्द थोड़े से वाक्य ऊपर नीचे हैं, इसलिए मैंने कहा वो उस सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको जगह जगह पाठमालाओं में, पाठशालाओं में, आयोजनों में, शिविरों में, जब कभी कोई सभा में पूछेगा तो फिर वो बराबर याद रहेगा वही शब्दावली, इसलिए मैंने बात कही। तो ऐसे ही प्रदेशत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार प्रकार हो। अच्छा आकाश का आकार है या नहीं? कि बिल्कुल आकार है। अच्छा हमने पूछा भैया हवा का आकार है या नहीं? क्या हवा, हवा का आकार है या नहीं? नहीं, हवा का तो कोई आकार नहीं है। हवा का क्या आकार होगा? हवा, हवा तो शेपलेस है, हवा का तो कोई शेप ही नहीं होता है, नहीं होता है ना। अच्छा हवा द्रव्य है या नहीं है? हवा वस्तु है या नहीं है? वस्तु तो है। स्पर्श नाम का गुण है या नहीं उसमें? हवा में, हवा में एक जीव द्रव्य भी रह रहा है। क्या वायु कायिक नाम का जीव है जो हवा में रह रहा है? हवा जिसका शरीर है ना, वो तो वायु कायिक जीव है। और जो हवा टच हो रही है, ये टच हो रही है तो कौन सा द्रव्य है? बोले पुद्गल द्रव्य है। पक्का कि हाँ जी पुद्गल द्रव्य है? तो पुद्गल का आकार होता है कि नहीं होता है? कैसा? पुद्गल का तो आकार होता है। ओजस, सही कह रहे हो, हवा का आकार है। अब लेकिन सामान्य जगत में किसी भी व्यक्ति से पूछो, अब अपनी क्लास में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट से पूछो, किसी दोस्त से पूछो, हवा का आकार होता है क्या? तो कहेगा यार क्या पागल है क्या, हवा का भी कोई आकार होता है क्या? ये तो गजब की बातें हैं भाई साहब, जैन शास्त्रों की। आकार प्रकार, आकाश का भी आकार है, काल द्रव्य का भी आकार है। काल द्रव्य का आकार कैसा है? बोले परमाणु है। धर्म द्रव्य का आकार कैसा है? बोले धर्म द्रव्य का शेप बतला सकता है कोई? धर्म द्रव्य का शेप कैसा होगा? मैं बताऊं धर्म द्रव्य का शेप कैसा है? ऐसे कमर पर हाथ रख करके दोनों पैरों को फैलाकर जो 3 लोक की आकृति बनती है, वो 3 लोक की आकृति, वो शेप है धर्म द्रव्य का। क्या लोकाकाश बराबर? अधर्म द्रव्य का भी वही आकार है। विघ्नेश भाई कैसा आकार है बोलो? हमने सोचा था कभी कि धर्म द्रव्य का आकार? यार क्या बात कर रहे हो आप, अधर्म द्रव्य के आकार की बात कर रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल अधर्म द्रव्य का भी आकार है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।